आप देख रहे थे 50 खबरें और अब आपको दिखाते हैं खबरें डिटेल में। पाकिस्तान के लिए अब दुनिया में दो ही मोर्चों पर फंसने का वक्त आ गया है। आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन को लेकर बैंकॉक में FTF के सामने आज पाकिस्तान को जवाब देना होगा। कुल 27 मुद्दों पर पाकिस्तान से जवाब मांगे गए हैं। इनमें आतंकी संगठनों पर कार्रवाई से लेकर टेरर फंडिंग और जैश के मुखिया के खिलाफ सबूतों तक पर पाकिस्तान को जवाब देना होगा। अगर पाकिस्तान ये जवाब देने में फेल हो जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो वहीं जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश कर सकता है। सिखों हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाले पाकिस्तान को मानवाधिकार की याद आ रही है, लेकिन ऐसे में उसका दावा कितना पुख्ता होगा ये आज पता चलेगा। तो बैंकॉक से लेकर जिनेवा तक दो मोर्चे ऐसे जहां पर पाकिस्तान को आज कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा। 27 सवाल पाकिस्तान से FATF में पूछे गए हैं, जिसमें आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर, देखिए हाफिज सईद के खिलाफ क्या सबूत पेश किए, जैश के सरगना पर क्या कार्रवाई हुई, टेरर फंडिंग को लेकर ये सवाल जवाब होने हैं। और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होता है FATF तो ऐसे में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। सत्ताईस ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पाकिस्तान को जवाब देना है। आतंकवादियों पर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान की सरजमी पर आराम से रह रहे हैं, भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं और सरकार का उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, ना सिर्फ सरकार का बल्कि सेना का भी। और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कड़े सवालों का सामना करना होगा। और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस तो स्थिति में प्रतिबंधों का सामना फिर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। तो एक तरफ जिनेवा में भी ऐसा लग रहा है कि कश्मीर मसले को पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि इससे पहले इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कश्मीर का मसला उठाएंगे, कश्मीर में कश्मीरियों के मानवाधिकारों को लेकर जंग लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यही वो पाकिस्तान है जहां पर खबरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से सिख लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, अगवा कराया जा रहा है उन्हें, और उसके बावजूद भी सरकार इस पर कड़े कदम उठाने में नाकामयाब रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी गौरव सावंत। गौरव, बैंकॉक से लेकर जिनेवा तक पाकिस्तान के लिए आज एक ऐसा समय होगा जब वो इन दलीलों के सामने कम से कम सबूत पेश करे, आज बात होगी सबूतों पर। कहा पाकिस्तान की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये बैठक हो बैंकॉक, पाकिस्तान को सबूत देने हैं कि उसने हाफिज मोहम्मद सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, और न केवल FIR दर्ज करना या कागजी कार्रवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई किस तरह से की है, क्या सबूत जुटाए हैं जो अदालत पेश किए हैं, क्या इफेक्टिव एक्शन हुआ है। और यहाँ पाकिस्तान बहुत कमजोर है, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान को बेनकाब करेगा कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिनेवा की अगर बात करें तो जहां पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा, वहीं भारत के जो पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त हैं अजय बिसारिया, वो इस टीम का हिस्सा है, भारत की टीम के, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में किस तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बलूचिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान की सेना एक ऑक्यूपेशन आर्मी की तरह काम कर रही है, उन सबको उजागर करेंगे। मीनाक्षी, शुक्रिया गौरव आपका। गीता मोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, फॉरेन मामलों की जानकारी गीता रखती हैं और उन्हें रिपोर्ट भी करती हैं। गीता, बैंकॉक से लेकर जिनेवा तक आज का दिन इस लिहाज से कैसे अहम रहने वाला है और क्या क्या हो सकता है? जी मीनाक्षी, आज का दिन काफी अहम है, लेकिन कल और भी ज्यादा जरूरी दिन होगा, जब कुरैशी जो पाकिस्तान के डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं करीब 10 बजे जिनेवा में अपना स्पीच डिलीवर करेंगे, जो 3:30 बजे भारत का के वक्त पे वहाँ पे वो बोलने वाले हैं, जहाँ पर वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ। यहाँ पर भारत ने बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजी अपनाया है,
तीन ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, तीन चार, जिसमें से यूरोपियन ब्लॉक में बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर ऐसे थे जिन्होंने कश्मीर के सिचुएशन पर कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया। काफी सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़ा है, काफी ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश भी, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश, जो भारत के साथ खड़ा है और कहा है कि कश्मीर बायलैटरल मुद्दा है।